Hello students, in this video we shall study deviations from Mendel's findings. After rediscovery of Mendel's laws or postulates, different scientists tried with different plants and also tried to study inheritance pattern in those plants. Results were certainly different, and this particular part further laid foundation for study of genetics. Basically, पी प्लांट्स में मिलने वाले रिजल्ट्स सभी प्लांट्स में मिले ऐसा नहीं, और इसलिए मेंडेलियन लॉ को कुछ डेविएशंस जो है वो भी हमें मिले. मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हमने क्या पढ़ा था, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के जनरलाइजेशंस क्या है, सिंगल ट्रेट सिंगल जीन टू एलील्स, एक कैरेक्टर हाइट ऑफ प्लांट, एक जीन और उस एक जीन के दो फॉर्म्स, एक टॉलनेस के लिए एक ड्वार्फनेस के लिए. दूसरा पार्ट क्या था, टू एलील्स शो इंटरेक्शन इन विच वन इज कंप्लीटली डोमिनेंट, यानी वन जनरेशन ऑफ ऑल द क्रॉसेस, जहां अ पर्टिकुलर जीन इज एक्सप्रेस्ड इन फिनोटाइप फॉर्म एंड अदर इज सप्रेस्ड. जैसे अंडर हेटरोजाइगोट कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी टॉलनेस इज एक्सप्रेस्ड एंड ड्वार्फनेस इज सप्रेस्ड. द वन विच इज एक्सप्रेस्ड इज सेड टू बी डोमिनेंट एंड इट कंप्लीटली डोमिनेट्स the expression of recessive gene. Another important part was factors or genes for different traits present on different chromosomes and they assort independently. Brother, independently assort hote hai, iska matlab ye hai ki they are distributed independent of each other, and that's why we got four different types of gametes like this. If you remember dihybrid cross and the recent video of test cross and back cross, these were the gametes produced by F1 heterozygote with formation of recombinants like yellow and wrinkled, green and round. ये मेंडल का जनरलाइजेशन. बट जैसे जैसे जेनेटिक्स की स्टडीज एडवांस होती गई तो हम लोगों को मेंडेलियन लॉज से कुछ डेविएशन मिले. जो डेविएशंस है वो किस टाइप के हैं, क्या पार्ट हम लोगों को मिलता है, बराबर. जैसे पहला पार्ट है कि सिंगल जीन या सिंगल कैरेक्टर सिंगल ट्रेट अब तक दो अलील्स थे, बराबर, और दो में से एक कंप्लीटली डोमिनेंट था और दूसरा कंप्लीटली रिसेसिव था. बट आगे चल के हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी मिला, जहां डोमिनेंट वॉज अनेबल टू सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव जीन कंप्लीटली, और वहां रिसेसिव जीन का पार्शियल एक्सप्रेशन होता है. कोडोमिनेंस में दोनों को यानी साथ में डोमिनेंस दोनों के दोनों इक्वली डोमिनेंट एंड बोथ आर एक्सप्रेस्ड. दूसरा पार्ट था सिंगल ट्रेट सिंगल जीन, बट दिस टाइम देयर आर मोर देन टू अलील्स. जैसे ब्लड ग्रुप है आइसोएग्लूटिनिन नाम का जीन उसे रेगुलेट करता है, बराबर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से. इसके तीन अलील्स मिलते हैं आई ए आई बी एंड आई ओ, समटाइम्स इट इज रिटन ए स्मॉल आई, बराबर. उसके बाद एक डेविएशन और मिला सिंगल ट्रेट, बट नाउ द कैरेक्टर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मोर देन वन जीन्स. अब तक सिंगल जीन था दो अलील्स थे, दो में से एक डोमिनेंट था यानी मेंडेलियन. फिर सिंगल ट्रेट सिंगल जीन,
बट दोनों इक्वली डोमिनेंट या एक इनकम्प्लीटली डोमिनेंट, फिर सिंगल ट्रेट सिंगल जीन बट मोर देन वन अलील्स, मोर देन टू अलील्स, मल्टीपल अलीलिज्म, फिर डेविएशन मिला सिंगल ट्रेट एक कैरेक्टर बट नाउ इट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन्स, जैसे ह्यूमन स्किन कलर है उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इंक्लूड किया जाता है, डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस है, हाइट है, ये सारा पार्ट अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस होता है, बराबर। एडिटिव इफेक्ट, जैसे जैसे नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स बढ़ते जाते हैं एक्सप्रेशन चेंज होते जाता है, और फिर सिंगल जीन इन्फ्लुएंसिंग मेनी ट्रेट्स, यानी वो एक ही जीन अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, इसे प्लियोट्रॉपी बोला गया। इन सारे डेविएशंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सिंगल ट्रेट मोर देन वन जीन वाला पार्ट नहीं रहेगा, उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वैसे भी उसका रेफरेंस लिया है सिर्फ टेक्स्ट बुक में और डिटेलिंग नहीं है, बराबर, बट हम वो पढ़ेंगे। अब इन सारे डेविएशंस के दो टाइप्स हम लोगों को मिलते हैं कि जीन इंटरेक्शन ये किस तरीके से होता है। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन यानी विद इन द जीन, और इंटरजेनिक इंटरेक्शन यानी इन बिटवीन द जीन्स। जब जब इंट्रा ऐसा वर्ड आएगा तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन, और जब जब इंटर वर्ड आएगा तब उसका मीनिंग होता है बिटवीन। सो बिटवीन द जीन्स विच आर नॉन अलिलिक और विद इन द जीन्स यानी इन बिटवीन द अलिलिक, यानी इंट्राजेनिक कैन बी रेफर्ड एज इंटर अलीलिक, एक ही जीन के अलग अलग अलील्स में होने वाला इंटरेक्शन इज इंटर अलीलिक। फिर मुझे इंटर अलीलिक इंटरेक्शन के या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन के तीन टाइप्स मिलते हैं, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा कोडोमिनेंस और तीसरा मल्टीपल अलील। जबकि इंटरजेनिक में मुझे प्लियोट्रॉपी, पॉलीजीन्स, एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स मिलते हैं, जिसमें से एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हम लोगों के बुक में सिर्फ रेफरेंस में आए हैं, और पॉलीजीन को लेकर आपको एक्टिविटी दी हुई है, आपको पूछा गया है, बराबर, या इंटरनेट माय फ्रेंड है। तो ये जो पार्ट है, यानी हम लोग इस वीडियो में अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल अलीलिज्म और प्लियोट्रॉपी, इन चार टॉपिक्स को डील करेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो किस पर्टिकुलर टाइप के एक्सप्रेशन को रेफर करता है ये समझना जरूरी है, बराबर। Incomplete dominance is also called as a mosaic dominance or mosaic inheritance. Okay. इस पूरे incomplete dominance के process के features क्या है? सबसे पहला और important feature ये है कि none of the two contrasting characters is dominant or none of the two contrasting alleles is dominant. दो अलील्स है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे पे कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। F1 जो मिलेगा वो इंटरमीडिएट या फाइन मिक्सचर है दोनों के एक्सप्रेशन का। क्रॉस लेंगे तब समझ में आएगा, वीडियो देखने के बाद टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है, ये ध्यान में रखें। बट एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए, दिस इज नॉट द ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, जो प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स में कंसीडर किया गया था वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है।
बहुत डिटेल में हमारा टेक्स्ट बुक इस बारे में कोई बात नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए, बट फिर भी पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन या नॉन फंक्शनल प्रोटीन एक्सप्रेस करना, ये सारा पार्ट यहाँ इंडिकेट होता है. और डोमिनेंट इज अनेबल टू सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव कंप्लीटली. कार्ल कॉरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड दिस एंटायर पार्ट इन मिराबिलिस. द टू मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स आर मिराबिलिस जलापा एंड द सेकेंड प्लांट इज एंटीराइनम मेजस. बराबर, एंटीराइनम मेजस और मिराबिलिस जलापा ये दो ऐसे प्लांट्स है जिनमें ये प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें मिलती है. केस द पेरेंट्स सिलेक्टेड, द पेरेंट्स सिलेक्टेड आर होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव. सो वन ऑफ द पेरेंट्स इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव पेरेंट. ओके, द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर इज दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस रेड फ्लावर्स वेयर एज द रिसेसिव प्लांट कैरेक्टर एक्सप्रेशन इज प्रेजेंस ऑफ व्हाइट फ्लावर्स. In this case, the genotype suggests that red will be denoted as capital R as usual, is crossed with white flower plant that is smaller, smaller. Gametes will be produced. This plant will produce capital R, this plant will produce small r. And now the most important part. F1 generation is produced. Similar to the Mendelian inheritance pattern or Mendelian cross, it will produce F1 hybrid, that is a heterozygote. But when you look at the phenotypic expression of this capital R, capital small r, instead of red, this plant shows pink colored flowers. पिंक कलर फ्लावर्स जो है वो इसने प्रोड्यूस किया. F1 जनरेशन में हम लोगों ने अब तक ऐसे पढ़ा था कि डोमिनेंट अलील कंप्लीटली सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव जीन. लेकिन लेकिन यहां पार्ट ये हुआ है कि डोमिनेंट जीन फेल्स टू सप्रेस रिसेसिव जीन एक्सप्रेशन और इवन इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील रिसेसिव जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ पार्शियली. और इसलिए F1 जनरेशन इज विथ पिंक फ्लावर प्लांट्स. फॉर F2 जनरेशन F1 विल बी द पेरेंट्स. अब इतने बार हुआ है कि हम लोग डायरेक्ट भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. दो F1 प्लांट्स का मैं सेल्फिंग करता हूं जिनके जीनोटाइप्स जो है वो है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर. अब यहां इनका हम लोग एक चेकरबोर्ड बनाते हैं और जब हम लोग ये चेकरबोर्ड बनाएंगे तो वो बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह है, लाइक दिस. अब यहां इस बॉक्स में इनके कमिट्स लिखते हैं. दिस इज कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, दिस विल बी रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस विल बी पिंक इंस्टेड ऑफ रेड, एंड दिस कैपिटल आर स्मॉल आर इज ऑल्सो पिंक, एंड हियर स्मॉल आर विल प्रोड्यूस व्हाइट फ्लावर्स. यानी इस केस में तीन डिफरेंट फिनोटाइप्स मिले. मेंडेलियन क्रॉस में मुझे दो फिनोटाइप्स मिल रहे थे, यहां मुझे तीन फिनोटाइप्स मिले हैं. और वो तीन फिनोटाइप्स अगर हम लोग देखें तो वन इज रेड, अदर इज पिंक एंड द थर्ड इज व्हाइट.
and the ratio is 1 is to 2 is to 1. And when it comes to genotypes obtained and the ratio produced, certainly it will be capital R is to capital R is to capital R, small r is to small r, small r. From the above unit square, if we count it, 1 is to 2 is to 1. प्रीवियस वीडियो में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियोज सेम है ऐसा हमने टेस्ट क्रॉस में देखा था. अब यहाँ इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोगों को फिर से फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज जो है वो सेम मिले थे. अनादर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल और अनादर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस और मेंडेलियन प्रोसेस से डेविएशन बोलो, वो क्या है? तो वो है कोडोमिनेंस का. बराबर, कोडोमिनेंस. यहां एक वर्ड है को यानी अलोंग विद, साथ में, डोमिनेंस. बराबर, यहां सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि देर इज expression of both alleles in heterozygote form. Change को note करो. Complete dominance में दो में से एक allele express हुआ था. बराबर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रिसेसिव का पार्शियल एक्सप्रेशन था और को डोमिनेंस में F1 जनरेशन के दोनों अलील्स जो है वो एक्सप्रेस होते हैं. को डोमिनेंस में देर इज नो डोमिनेंट रिसेसिवनेस रिलेशनशिप, ये याद रहे. को डोमिनेंस में यहां हम लोगों को डोमिनेंट रिसेसिवनेस रिलेशनशिप नहीं मिलती क्योंकि दोनों के दोनों इक्वली डोमिनेंट है. बराबर, बोथ द अलील्स आर एबल टू एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली. दोनों जो अलील्स है वो इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन दिखाते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट. Another important point to be stated is that इस पूरे पार्ट में F1 generation जो मिलती है, that F1 generation shows different phenotype than the parents. जैसा हमें incomplete dominance में मिला था ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी F1 generation shows different phenotype. बराबर, और इस कोडोमिनेंस का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो कोट कलर है. बराबर, हेयर कलर जो स्किन पे होता है वो हेयर कलर, कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्न कैटल. बराबर, अब देखो इस क्रॉस में क्या हो रहा है. ये हमारी पेरेंटल जनरेशन है, ये काऊ है, ये पेरेंटल जनरेशन है. बराबर, ये होमोजाइगस है. अब दोनों डोमिनेंट है तो हम लोग लिखेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट लिख सकते हैं, यहां पे भी हम लोग लिखेंगे होमोजाइगस. ये भी डोमिनेंट है क्योंकि दोनों एक्सप्रेस होने वाले हैं. इसका कलर है रेड और इसका कलर है वाइट, नहीं बताया तो भी चलता. ये हो गया उनका भाई फिनोटाइप. और फिर व्हाट अबाउट देयर जीनोटाइप्स, इनके जीनोटाइप्स क्या है? तो रेड कैटल जो है उसका जीनोटाइप आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर. इसका जीनोटाइप हम लोग यहां लिखते हैं दैट विल बी कैपिटल आर और इसका आएगा कैपिटल डब्ल्यू. अब ये गमेट्स प्रोड्यूस करेंगे.
गमिट्स जब प्रोड्यूस होंगे तो इन दोनों में से एक, बराबर, और इन दोनों में से एक यानी एक कैपिटल आर और दूसरा कैपिटल डब्ल्यू, इन दोनों के फ्यूजन से हम लोगों को F1 जनरेशन मिलेगी और इस F1 जनरेशन का जीनोटाइप विल बी कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। ये जो काउ या कैटल F1 जनरेशन में मिला है उसका स्किन कलर इज डिफरेंट फ्रॉम रेड एंड व्हाइट एंड सच एन एक्सप्रेशन इज रेफर्ड एज अ रोन कोट। अब जब मैं इस रोन कोट काउ को यानी F1 को F2 जनरेशन के लिए यूज करता हूं तब मैं इनसे F2 जनरेशन रेज करूंगा, बराबर। दिस इज वन रोन कैटल, दिस इज अनादर रोन कैटल, इसका जीनोटाइप इज कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, इसका जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, इनके गमिट्स मुझे मिलेंगे और इनके गमिट्स में एक कैपिटल आर दूसरा कैपिटल डब्ल्यू, एक कैपिटल आर दूसरा कैपिटल डब्ल्यू। अब इनके प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस को हम लोग यहां इंडिकेट कर सकते हैं। कैपिटल आर और कैपिटल आर के फ्यूजन से ये मुझे एक सिमिलर टू पेरेंट मिला, एक्सप्रेशन है रेड। दूसरा जो है वो मुझे इस कैपिटल आर का इस डब्ल्यू के साथ फ्यूजन हुआ तो वो मिला मुझे आर डब्ल्यू। उसी तरीके से ये डब्ल्यू और ये आर इनका फ्यूजन हुआ और इनके फ्यूजन से भी मुझे मिला आर डब्ल्यू। एंड फाइनली मुझे ये पर्टिकुलर डब्ल्यू और ये डब्ल्यू इनके फ्यूजन से जीनोटाइप मिला कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ ये दोनों एक्सप्रेस हुए इसलिए ये रोन मिला और ये मिला वाइट, यानी अब मेरे पास एक रेड दो रोन एक वाइट। और इसलिए यहाँ पे भी जो फिनोटिपिक रेशो है वो मेंडेलियन फिनोटिपिक रेशो से अलग हो गया, वो हो गया 1:2:1, बराबर, रेड रोन वाइट। और जीनोटिपिक रेशो कैपिटल आर इज 1, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू इज 2 एंड डब्ल्यू इज 1, और इसलिए जीनोटिपिक रेशो हैज बिकम अगेन 1:2:1। यानी टेस्ट क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस ये ऐसे स्पेसिफिक टाइप के क्रॉसेस है जहां हमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशोज सेम मिलते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे 2 मार्क का जैसे क्वेश्चन हो सकता है वैसा कोडोमिनेंस पे भी हम लोगों को 2 मार्क का क्वेश्चन जो है वो मिल सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मल्टीपल अलील्स, सिंगल जीन शोज मोर देन 2 अलील्स, हेंस द नेम मल्टीपल अलील्स। 3 मार्क का शॉर्ट नोट डेफिनेटली। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? Presence of more than 2 alleles. यहां शायद ही कोई क्रॉस आए, बराबर, alleles for the gene. हाँ, लेकिन यहां 3 मार्क का शॉर्ट नोट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1 में, बराबर। वाइल्ड टाइप ऑफ जीन्स जो होते हैं डोमिनेंट, उस वाइल्ड टाइप में फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस आने के वजह से अलीलिक फॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। बराबर, रिपीटेड म्यूटेशंस, फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस आने के वजह से नंबर ऑफ अलील्स जो है वो हम लोगों को यहां ज्यादा मिलते हैं।
अनादर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इनकी इनका इनका जो लोकेशन है वो लोकेशन क्या है, ऑल मल्टीपल अलील्स। वीडियो के बाद टेक्स्ट बुक पढ़ना मैंडेटरी है। अलील्स ऑकरन सेम जीन, सेम जीन लोकस, यहां लोकस का मतलब होता है पोजीशन, लोकस ऑफ सेम क्रोमोसोम और इट्स होमोलोगस क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम पे होते हैं या फिर उसके होमोलॉग पे होते हैं। अनादर इंपॉर्टेंट फीचर, अक्रोमोसोम, अक्रोमोसोम यानी सिंगल क्रोमोसोम, अक्रोमोसोम कंटेन्स कंटेन्स ओनली वन अलील, कंटेन्स और शोज बोलो बराबर, ओनली वन अलील ऑफ द ग्रुप, एक क्रोमोसोम पे इस ग्रुप का एक ही अलील रहेगा और एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो हम लोग लेंगे, दैट इंडिविजुअल पजेसेस ओनली टू अलील्स, ये याद रहे, सात अलील्स रहे, पंद्रह रहे, पांच रहे, तीन रहे, बट इंडिविजुअल में हमेशा दो ही रहेंगे। वाइल गमेट विल हैव ओनली सिंगल अलील, गमेट्स कैरी सिंगल अलील, सो प्रेजेंस ऑफ मोर देन अलील्स यानी मल्टीपल अलीलिज्म, वाइल्ड टाइप के जीन में फ्रीक्वेंट म्यूटेशन से ये अलग अलग अलील्स प्रोड्यूस होते हैं, दे ऑक्यूपाई द सेम जीन लोकस, सेम क्रोमोसोम पे या फिर होमोलॉग पे होते हैं, बराबर। मल्टीपल अलील्स में से एक क्रोमोसोम पे एक ही अलील आएगा ग्रुप का, और जो इंडिविजुअल है उसमें इस पर्टिकुलर ग्रुप में से दो अलील्स मिलेंगे, बट गमिट विल कैरी अ सिंगल अलील। ऐसे जो मल्टीपल अलील्स होते हैं दे आर एबल टू एक्सप्रेस, बराबर, मल्टीपल्स अलील्स एक्सप्रेस डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आगे एग्जांपल देने वाले हम ऑफ द सेम कैरेक्टर, ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लेंगे, एक ही कैरेक्टर के अलग अलग एक्सप्रेशंस देने का काम जो है वो मल्टीपल अलीलिज्म में होता है और मल्टीपल अलील्स उसे कैरी आउट करते हैं। मल्टीपल अलील्स भी सेवरल रिलेशनशिप्स जो है वो इंडिकेट करते हैं। मल्टीपल अलील्स में हम लोगों को क्या क्या मिल सकता है, मल्टीपल अलील्स किस तरीके से इंटरैक्ट होते हैं, तो मल्टीपल अलील्स शो कोडोमिनेंस, ब्लड ग्रुप के एग्जांपल में लेंगे, दे ऑल्सो इंडिकेट डोमिनेंट रिसेसिवनेस रिलेशनशिप और डोमिनेंट रिसेसिव नेचर, बराबर, और इवन समटाइम्स दे एग्जिबिट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तीनों टाइप की रिलेशनशिप हम लोगों को यहां मिल सकते। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि वाइल्ड जीन जो है जिसमें ये सारे चेंजेस हुए हैं, दैट वाइल्ड टाइप इज डोमिनेंट ओवर ऑल इट्स म्यूटेटेड जीन्स, वाइल्ड टाइप इज डोमिनेंट ओवर ऑल म्यूटेंट टाइप्स, जितने म्यूटेंट तैयार हुए हैं उन सभी म्यूटेंट पे वाइल्ड टाइप ये हमेशा डोमिनेंट रहेगा, उसके सामने दूसरा एक्सप्रेस वो नहीं होगा, बराबर। मल्टीपल अलील्स डू नॉट शो क्रॉसिंग ओवर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बराबर। अब इसमें एग्जांपल्स की जब मैं बात करता हूं तो पहला ड्रोसोफिला,
मेलानोगैस्टर, उसका विंग शेप या विंग्स, बराबर। और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस है, बराबर। एक पॉइंट यहां मुझे पढ़ाना है, ये ब्लड ग्रुप में हमें जो जीन मिलता है ना, जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन को, उसका नाम है आइसो एग्लुटिनिन। और ये आइसो एग्लुटिनिन तीन अलील्स इंडिकेट करता है, तीन अलील्स दिखाता है। ड्रोसोफिला विंग्स के लिए 5 अलील्स दिखाता है, बराबर। अब हमें क्वेश्चन हो सकता है ऐसा, ध्यान से सुनो, कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ स्पेसिफिक जीन एंड दैट जीन हैज 5 अलील्स, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज अलील्स? तो उसका आंसर है यस। मैं आपको फॉर्मूला देता हूं, एक नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इन केस ऑफ मल्टीपल अलील्स, ओके, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इक्वल्स टू n/2 इंटू n+1, वेयर n इज नंबर ऑफ अलील्स। अब देखो, ब्लड ग्रुप का पार्ट लेते हैं तो 3/2 इंटू 3+1, 3/2 यानी 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट कम्स आउट टू बी 6, यानी ब्लड ग्रुप के केस में मुझे 6 जीनोटाइप्स मिलते हैं। ऐसा यहाँ अगर हम लोग करें तो 5/2 इंटू 5+1 यानी 6, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट विल बी 15 डिफरेंट जीनोटाइप्स विल बी ऑब्टेंड। ये बात याद रहे। अब जब मैं इस पर्टिकुलर मल्टीपल अलिलिज्म के एग्जांपल्स पे आता हूँ, ये टेक्सटबुक का चार्ट लिया है यहाँ मैंने, ये फिनोटाइप दिखा रहा है नॉर्मल विंग्स, बराबर, VG+ इज द जीनोटाइप, फिर निग्ड विंग्स थोड़े से कटे हुए हैं, VGNI इज द जीन और जीनोटाइप, नॉज्ड विंग VGNO, स्ट्रैप विंग्स VGST एंड वेस्टिजियल विंग्स, ओनली स्टम्स आर प्रेजेंट और पॉइंट्स आर प्रेजेंट, तो वो VG। इसमें डोमिनेंट एलील ये है और ये सारे इसके म्यूटेटेड टाइप्स है, ये बात याद रहे। इन 5 अलील के 15 जीनोटाइप्स हम लोगों ने अभी निकाले थे। ऐसा ही ब्लड ग्रुपिंग का है, ब्लड ग्रुप सिर्फ 4, AB और O, बट ए ब्लड ग्रुप किसका हो सकता है जिसका जीनोटाइप IAIO है या IAIA है, यानी AA और AO, इनका ब्लड ग्रुप विल बी A। जिसका ब्लड ग्रुप B है वो होमोजाइगस हो सकता है या हेटरोजाइगस हो सकता है। यहाँ IA और IB ब्लड ग्रुप्स में IA और IB आर डोमिनेंट ओवर IO, ये याद है, बराबर। सिमिलरली अगर A और B ऐसे 2 अलील्स आते हैं तो ब्लड ग्रुप डेवलप विल बी AB। यहाँ A एंड B आर को डोमिनेंट, यहाँ डोमिनेंस का पार्ट आया, यहाँ को डोमिनेंस का पार्ट आया। एंड इफ द पर्सन हैज जीनोटाइप IO, इट विल प्रोड्यूस O ब्लड ग्रुप, और ऐसे AB और O, ये 4 ब्लड ग्रुप हमें मिलते हैं। अब हमें इनको यूज करके एक हाथ दूसरा यूनिट स्क्वायर जो है वो बनाने के लिए आ सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप A मैरीज अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप B एंड प्रोड्यूस 4 डिफरेंट इश्यूज, बराबर, तो उनके ब्लड ग्रुप्स क्या होंगे? तो कंसिडर करते वक्त इन्हें IAIO और IBIO ऐसा कंसिडर किया जाए ताकि हम लोगों को ये चारों कॉम्बिनेशंस वहां मिल सकते हैं। द लास्ट पार्ट अंडर डेविएशंस मेंशन इन योर सिलेबस और द टेक्स्ट बुक इज प्लियोट्रॉपी, ओके, प्लियोट्रॉपी किस बात को इंडिकेट करता है ये पहले समझे, बराबर।
few points are there. Single gene controls two or more expressions or traits rather. Single gene controls two or more traits. बराबर. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां मिलता है, ऐसा जो जीन है उस जीन को बोला जाएगा प्लियोट्रॉपिक जीन, और प्रोसेस को बोला जाएगा, फिनोमेना को बोला जाएगा प्लियोट्रॉपिज्म या फिर प्लियोट्रॉपी. बराबर. यहां जो रेशो मिल रहा है, दैट रेशो ऑब्टेंड इज 2:1 instead of 3:1. यहाँ का रेशो is 2:1 instead of 3:1. The basic part is that in this case, the single gene, the single pleiotropic gene produces two related or unrelated effects. टू रिलेटेड और अनरिलेटेड इफेक्ट्स जो है वो हम लोगों को यहां मिलते हैं. यहां इफेक्ट्स का मतलब क्या है? यहां इफेक्ट्स का मतलब है फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस. वीडियो देखने के बाद टेक्स्ट बुक में पढ़ना चाहिए ताकि हमें समझे. द बेस्ट एग्जांपल इज सिकल सेल एनीमिया, जहां आरबीसी ये सिकल शेप हो जाती है और घास की कटाई के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं. दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय जीन HBS. इनको लिखने का तरीका भी अलग होता है. दिस इज HBS, इस जीन के वजह से होता है. बराबर. और जो नॉर्मल जीन है, नॉर्मल बोलो या फिर हेल्दी बोलो, ये जो जीन है, दैट नॉर्मल और हेल्दी जीन इज HBA. अब अगर कॉम्बिनेशन है HBA HBA, तो पर्सन इज नॉर्मल. अगर कॉम्बिनेशन है HBA HBS, तो पर्सन इज कैरियर. एंड इफ HBS HBS इज द कॉम्बिनेशन, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल. बराबर. ये जो कैरियर्स होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल एक्सप्रेस होते हैं, बट उनमें सिकल सेल का ट्रेट होता है. ये जो HBS जीन है, दैट इज कॉल्ड एज लीथल जीन. क्यों? इट कॉजेस डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. बेरर की डेथ ये उसमें होती है, और इसलिए. अब दो सिकल सेल कैरियर का अगर मैरिज होता है, दो सिकल सेल कैरियर्स का अगर मैरिज होता है, तो ये सिकल सेल कैरियर हो गए HBA HBS. बराबर. सिकल सेल कैरियर मैरिज अनादर सिकल सेल कैरियर HBA HBS. बराबर. अब ये HBA HBS दो टाइप के गमिट्स प्रोड्यूस कर रहा, इसने भी दो टाइप के गमिट्स प्रोड्यूस किए. बराबर. जब इनके प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, तो वन विल बी HBA HBA, यानी वो नॉर्मल है. दूसरा जो है वो मिलेगा HBA HBS. ये दोनों सिकल सेल कैरियर हो गए, जो ऑक्सीजन डिफिशियंट में अलग एक्सप्रेशन देंगे. और जो तीसरा है दैट थर्ड इज HBS HBS, and that will be sickle cell anemic, जिसकी डेथ हो जाएगी. यानि जो रेशो मैंने शुरुआत में बोला था कि it produces 2:1 instead of 3:1, क्योंकि यहाँ दो कैरियर्स है, एक नॉर्मल है और एक की डेथ हो रही है because of two recessive genes together. So these are some of the variations in Mendelian laws. ये पूरा पार्ट सुनने के बाद टेक्स्ट बुक में से पढ़ना चाहिए. वीडियोज कोई भी रहे, ये बात पक्के से है कि जो कुछ हमने देखा सुना उसे टेक्स्ट बुक से पढ़ने के बाद थोड़ा सा वो क्लियर होता है,
इन द नेक्स्ट पार्ट एक एडिशनल टॉपिक हम लोग लेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, और फिर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. थैंक यू.